I'm all set already. Let's go. Let's the day begin. टपरी वाली चाय. Cheers. Cheers. हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन. इट्स 11th ऑफ दिसंबर एंड आज है फ्राइडे और हम हैं मेट्रो स्टेशन में बिकॉज वी आर गोइंग टू दिल्ली, राजीव चौक सीपी. हाँ, सो क्या करने जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा. बाय द वे, सुबह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई सब चीज़ों में. सो राइट नाउ आई एम इन द मेट्रो स्टेशन. विल सी यू लेटर. वेरी मैं जाने वाली थी अंदर में, क्यों नहीं गई. ओह माय गॉड, ये चली गई. व्हाई दिस ऑलवेज हैपन टू मी. आज मेरा दिन ही खराब चल रहा है. कहते हैं जब दिन बुरा होता है ना तो हर चीज़ ऐसी होती है. मतलब आज सुबह से मेरी हर चीज़ लेट 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 हो रही है. मैं उठने में तो ठीक थी टाइम पे, बट उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट लेट हुआ, नहाई लेट, सब कुछ लेट 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 हुआ. अभी सामने से मेट्रो भी चली गई. आई एम स्टुपिड. मैं अपने फ़ोन पे, मेरा ध्यान था और वो चली. वाई वाई वाई. बाय द वे, अच्छा चलो अभी 4 मिनट दिखा रहा है, 4 मिनट बाद आएगी नेक्स्ट मेट्रो, बट अभी कोई है नहीं आसपास तो बताती हूँ. मैं जा रही हूँ सीपी. मेरी फ्रेंड निकी है जो यहाँ पर, जिसकी शादी हुई है, रायपुर की फ्रेंड है बट शी मैरिड हियर. एंड हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं दिल्ली में. कभी मैं रहती हूँ तो वो नहीं रहती, कभी वो रहती है तो मैं नहीं रहती हूँ. बट टुडे वी डिसाइडेड कि चलो आज तो मिलते हैं. एंड या वी बोथ आर गोइंग टू लाइक गोइंग टू मीट. आज के ब्लॉग में हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या. तो लेट्स गो. पहुंच गई हूँ सीपी और आई एम वेटिंग फॉर निक्की टू कम. वो आ रही है, शी इज़ ऑन हर वे. एंड या आई एम जस्ट वेटिंग. और मेरे पीछे स्टारबक्स है. कैन यू सी? इट्स बीन सो लॉन्ग, सो 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 लॉन्ग दैट मैं स्टारबक्स गई हूँ. मतलब बहुत टाइम हो गया है. और वो आती है तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे. बाय द वे, मुझे उसका मन था कि वी शुड हैव ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, जो कि सीपी में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर मिलता है. दैट्स अमेजिंग. मतलब दिल्ली में बेस्ट साउथ इंडियन अगर आपको कहीं पर खाना है तो आप वहाँ जा सकते हैं. मैं आपको लेकर चलूँगी क्योंकि उसका भी मन है साउथ इंडियन खाने का, मेरा भी मन है साउथ इंडियन खाने का. आफ्टर दैट विल हैव कॉफ़ी हियर मोस्ट प्रोबेबली स्टारबक्स में. बट बिफोर मैं आपको लेकर जाऊँगी कि दिल्ली में बेस्ट ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड जहाँ पर मिलता है. सो या आई एम जस्ट वेटिंग, वो जल्दी से आए फिर हम जाएंगे. तो सरवाना भवन जो है वो ब्लॉक पी में है. हियर इट इज़, ब्लॉक पी यहाँ पर है. मुझे क्रॉस करके जाना है. सो या वहाँ पर कहीं पर है सरवाना भवन. अभी भी लोग भागते हुए जा रहे हैं जबकि सिग्नल ऑफ है. यू कैन सी दिक्षी. ओह माय गॉड, इंडियंस नेवर एवर चेंज. कभी नहीं बदल सकते. मतलब सिग्नल बंद है फिर भी लोग जा रहे हैं. अभी एक्सीडेंट होगा तो किसकी जवाबदारी भैया, किसकी जवाबदारी होगी. समझना ही नहीं है भाई, किसी को समझना ही नहीं है. सो ये आ गया है हमारा सरवाना भवन. यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड. हाय, दिन बाद बावरे. ओह माय गॉड, तेरी शादी के बाद. हाँ, तेरी शादी के बाद नहीं पागल, मैं तेरी शादी के बाद तेरे घर आई हूँ.
नहीं आई कहाँ? तेरे घर। A few moments later. Okay guys, so we are in सरवाना भवन और हमारा पूरा चुका है। By the way, मैं खा रही हूँ अनियन रवा मसाला डोसा। Here it is. सब डोसा खा रहे हैं by the way. Nick is also having डोसा एंड जीटू भी डोसा ही खा रहे हैं। हम सब डोसा खा रहे हैं। सो ये निक्की का फर्स्ट टाइम है तो वो टेस्ट करके बताएगी कि हाउ इट कैसा लगा उसको रिव्यू। ओके सो टेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैंने निक्की को सजेस्ट किया कि यहाँ चलते हैं। ये नॉर्मल मसाला डोसा है ना? हाउ इज इट? ठीक है। सो थम्स अप की नहीं? थम्स अप। ओके सरवाना भवन से हमने हमारा लंच हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू H&M बिकॉज निक्की मैडम को शॉपिंग करनी है। मुझे ऑरेंज कलर क्यों नहीं मिलता? मुझे ऑरेंज इतना पसंद है पर मुझे कहीं नहीं मिलता ऑरेंज जल्दी। देखो ब्लैक पसंद है मेरे को, ब्लैक अच्छा लगता है उतना नहीं। हाँ मतलब इतना भी नहीं। हाँ मतलब पार्टीज में जा रहे तो फिर ब्लैक। ओके गाइस सो H&M से हम निकल के अब जा रहे हैं जनपथ मार्केट। ऑटो में बैठे हैं एंड H&M से ऐसा कुछ खास लिया नहीं है बाय द वे। आज बस घूम रहे हैं क्योंकि मैडम से मिले हैं बहुत दिन बाद। सो यस अभी जनपद जाएंगे और आपको भी लेके चलते हैं। हमने ये लिया है, ड्रीम कैचर लिया है। यस इट्स वेरी नाइस कलर। यस इट्स वेरी नाइस ना। और दीदी और वैसे निक्की शॉपिंग कर रही है ज़्यादा। नहीं लगता। ये देखिए भी है, इसमें भी हाई नेक है। ये देख निक्की ये भी है एक हाई नेक। ये देखिए रहा ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ये इसमें। अच्छा ये कलर नहीं अच्छा है, नहीं होगा इतना शॉर्ट। हाँ से बाय टू निक्की, मिलेंगे। चल 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 मैं भी निकल के देखो पहुंच के फोन कर मैसेज डाल दूंगी। ये गाइस सो राइट नाउ या आई एम इन कैब एंड गोइंग बैक होम। निक्की चली गई है
अभी घर जा रहे हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, तो या घर पहुंच के फिर बात करती हूँ। ओ माई गॉड, फाइनली आफ्टर सच लॉन्ग डे मैं सुबह 12 बजे से निकली थी एंड इट्स 8:30 नाउ, फाइनली रीच्ड होम। लिफ्ट में है वो भी और हालत बड़ी टाइट हो गई है क्योंकि आज कितना घूमा, क्या क्या नहीं किया। आई मीन द डे वॉज सच नाइस। जब अपने दोस्त से बहुत टाइम बाद मिलते हो तो इट्स लाइक फुल फीलिंग वाला डे। या और मंदिर भी गए थे, यू कैन सी टीका हनुमान मंदिर है सीपी में जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ। सो या अच्छा, तो अभी अब घर आके चेंज वेंज कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं और मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देना चाहिए बिकॉज अब कुछ ऐसा खास बचा नहीं है दिन में। अब रात के 9:30 हो गए हैं, अब मैं घर पे बात करूँगी और डिनर तो मुझे करना नहीं क्योंकि बहुत खा लिया आज। मैं एक पार्ट जो मैं वीडियो का शूट करना भूल गई, दैट आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड एंड फिर उसके साथ भी गई बाहर, तो वहाँ पर भी हमने लाइक बहुत कुछ खा लिया। सो आई एम फुल और बस मेरा तो अब डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और या मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी देर नेटफ्लिक्स देखूंगी, कोई शो देखूंगी एंड उसके बाद आई क्रैश बिकॉज सुबह से निकली थी, 12 बजे से निकली थी, तो आई एम जस्ट टायर्ड नाउ। सो बस अभी थोड़ी देर में सोने वाली हूँ। सो यस, दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। और यस, कल आपसे मिलेंगे दूसरे व्लॉग के साथ और क्या एक्साइटिंग आने वाला है। आई एम गोइंग टू बी ट्रैवलिंग, यस, इन डे और टू। सो देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय।